सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सर क्या नाम है आपका? किशन अग्रवाल। किशन जी, क्या आपने पहली बार वोट डाला है? जी मैंने पहली बार वोट डाला है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको वोट डालकर? बहुत उत्सुकता है और लगता है मैंने विकास के नाम पर वोट डाला है और मैं देश की प्रगति में सहायक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या आप एक्साइटेड थे वोट डालने से पहले कि मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ? बिल्कुल, मैं नॉर्मली 8 बजे उठता हूँ, आज मैं 5 बजे उठ के नहा धो के तैयार हो गया था। कोशिश मेरी ये थी कि मैं सबसे पहले वोट डालूं, लेकिन मेरा नंबर 5वां या 6वां था। अच्छा, तो कोई भारतवासियों को आप संदेश देना चाहेंगे वोट डालने के संबंध में? प्रजातंत्र है, सबको अपना अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा देश चूँकि लोकतांत्रिक देश है और जनता को ही सारे पावर दिए गए हैं, ये बहुत कम समय मिलता है कि हम देश के लिए कुछ करें और ये हमारा मत अधिकार है और इसी से हम देश की प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपने किस आधार पर वोट डाला है? आप क्या चाहते थे कि मैं किसको वोट दूं, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? तो तमाम बिंदु मेरे मन में थे, पर मैंने जब निष्कर्ष निकाला तो मैंने देखा कि पहले जो क्या कार्य हुए हैं आपके वार्ड में उसको मैंने समीक्षा की, नए जो उम्मीदवार थे उनसे मैंने आशाएं लगाई कि वो और क्या काम कर सकते हैं, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही मैंने अपने मत प्रयोग किया। और ये वार्ड में एमई का हो गया जैसे कि चेयरमैनी का है, उसके लिए आपने कैसा कैंडिडेट के लिए सोचा था कि किस तरह के कैंडिडेट को वोट देना चाहिए? और आपने चेयरमैनी में जो बात है वो वैसे जातिगत और धार्मिक बात हो रही थी, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज किया। मैंने ये देखा है 24 प्रत्याशी खड़े हुए थे हमारे क्षेत्र में, तो 24 में कुछ तो ऐसे ही खड़े हो गए थे, कुछ में पता चला कि इन्होंने ये पहले कुछ रहे हैं, किसी पद पे रहे हैं, उन्होंने ये काम किए हैं, उस काम को तुलना करते हुए मैंने अपना मताधिकार प्रयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी। थैंक यू। कौन सी मोहल से? 24 वार्ड नंबर 25। अच्छा, जैसे कि लास्ट मोमेंट चल रहे हैं वोटिंग के, आपको कैसा एहसास हो रहा है? कितनी वोटिंग हो चुकी है और कितनी और हो सकती है? 80% वोटिंग हो चुकी है, समथिंग हो चुकी है। 1730 में 1200 वोट डल चुके हैं। अच्छा अच्छा, सर आपका क्या नाम है? जफर वे। अच्छा जफर जी, यहाँ वोटिंग जो हुई है शांतिप्रिय हुई है या कुछ बवाल हुआ है? बिल्कुल शांतिप्रिय। शांतिप्रिय, यहाँ शांतिप्रिय लोग रहते हैं जी। आप मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल शांतिपूर्वक हुआ, अच्छा हुआ है, वोटिंग बहुत अच्छी हुई है। मुझे लगता है रात में सबसे अच्छी वोटिंग 24 से ही हुई। धन्यवाद सर। सर आपका क्या नाम है? गुरजीत सिंह। गुरजीत जी, यहाँ की जो वोटिंग हुई है 24 मोहाल की, कैसा माहौल लग रहा था लोगों को जो वोट देने आ रहे हैं? भावना सुटके विकास को वोट दिया है। विकास को सुटके वोट दिया है जी। तो आपको लग रहा है कि 24 वार्ड का सबसे अच्छा विकास होगा? पूरी उम्मीद है अच्छा विकास। चलिए उम्मीद तो यही करते हैं हम। सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह। अच्छा ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये कि हमारे मोहाल के जो मतदाता हैं वार्ड नंबर 25 के, इन्होंने विकास के लिए एकजुट होकर वोट दिया है। कितने प्रत्याशी थे? प्रत्याशी 5 थे। हाँ, तो एकजुट होके 5 प्रत्याशियों को दिया है या एक ही प्रत्याशी को दिया है? विकास के लिए दिया है। विकास के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? अमन अग्रवाल। अमन जी, आपने वोट डाल लिया है जी? अच्छा, तो क्या आप इससे पहले भी वोट डाल चुके हैं? मैं पहली बार मतदान कर रहा हूँ। अच्छा, पहली बार मतदान कर रहे हैं, तो कितना एक्साइटमेंट था आपको वोट डालने? ज़्यादा एक्साइटमेंट था उसके लिए, वोट डालने के लिए। मुझे ये लग रहा था कि प्रत्याशी कोई भी हो, कोई भी जीते, लेकिन अच्छा जीतना चाहिए जो अपने वार्ड के लिए या अपने शहर के लिए कुछ कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने पहली बार वोट डाला है, बहुत एक्साइटेड थे आप, इस हमारे देश के देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे किस आधार पर वोट डालें? मैं अपने भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वोट तो बहुत ज़रूरी है डालना, किसी को वोट अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए, और वोट जो भी डाले सोच समझ कर डाले, किसी के कहने पर ना डाले। वोट डालने से क्या होता है कि एक तो जागरूकता होती है, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं कि आगे की पीढ़ी कैसी जाएगी अपनी, उसको भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। किसी को भी ये नहीं है कि वोट ना डाले, कोई अगर ये सोच ले कि मेरे को वोट नहीं डालना है तो उसको वोट डालना चाहिए। किसी को अपना वोट अनवैलिड नहीं करना चाहिए, अपना प्रत्याशी खुद चुन के वोट डालना चाहिए। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? प्रियंका। आपका? प्रियंका। आपका? अच्छा, किस मोहाल से हैं आप? अच्छा, क्या आप लोग सभी लोगों ने पहली बार वोट डाला है? अच्छा, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत एक्साइटमेंट था कि वोट डालने जा रहे हैं? अच्छा लगा। अच्छा, तो क्या सोचा आपने किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए जिसको वोट दिया जाए, जो समाज के लिए अच्छा हो, कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या नाम है आपका सर? अरविंद। आपका मैम? किस मोहाल में रहते हैं आप? हाँ, डाल दिया है वोट आप लोगों ने? ठीक ठीक ठीक। कई बार डाल चुके होंगे पहले वोट आप? ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? याकूब का। वोट देने आए हैं आप? हाँ। कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? जो अच्छा हो। जो अच्छा हो, ठीक ठीक ठीक। पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं, तो कई बार वोट दे चुके हैं। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? उमेश। कौन से मोहल्ले में रहते हैं? मोहलपुरा वार्ड नंबर 1। वोट डाल दिया है आपने? हाँ, डाल दिया है। कैसा महसूस हो रहा है आपको वोट डाल के? कैसा लग रहा है आपको वोट डाल के? तो वोट डाल दिया, पर कोई महसूस नहीं है। अच्छा अच्छा, पहली बार वोट डाल रहे हैं कि पहले कई बार डाल चुके हैं? डाले हैं। ठीक, धन्यवाद आपका। कनिष्का गुप्ता। तो कनिष्का, आपको पता है आज वोटिंग हो रही है हमारे राट में? हाँ? तो घर से कौन कौन वोट डालने जाएगा? मम्मी पापा दादा और दादी। मम्मी पापा दादा और दादी। क्या नाम है आपके पापा का? उमेश गुप्ता। उमेश गुप्ता। कौन से मोहल्ले में रहती हैं आप? चौबट्टा। चौबट्टा में। अच्छा अच्छा, तो आपको पता है वोट डालना क्या होता है? हमारे यहाँ मेंबर बनता है और अध्यक्ष बनता है। अच्छा, किसी मतलब सभी को किसी को चुने जाने के लिए वोट डाला जाता है, ये आपको पता है ना? हाँ। और कुछ कहना चाहोगी अपने मम्मी पापा के बारे में? कैसे हैं आपके मम्मी पापा? मम्मी अच्छी हैं कि पापा? दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। और दादा दादी? वो भी अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं, ठीक है। किस क्लास में पढ़ती हो आप? सेकंड। सेकंड किस स्कूल में? छोटलाल एकेडमी। थैंक यू।